हेलो गाइस, स्वागत है यार सभी का पीसी वाले यूट्यूब चैनल पे। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले तुम लोगों ने मुझे बोला था कि मैं अपने पीसी के स्पेक्स जो है मेरे उसका बेंचमार्क तुम्हें गेमिंग करके दिखाऊं। तो ये रहे मेरे गेमिंग बेंचमार्क जो तुम स्क्रीन पे दिख रहे हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड वॉर 2 GTA 5, इसका मैंने बेंचमार्क पहले नहीं दिखाया था, मैं तुम्हें अब दिखा रहा हूं। देखो GTA 5 में मुझे अबव 70 FPS मिल रहे हैं और एवरेज और 1% मिनिमम जो होते हैं वो भी बढ़िया है। और कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड वॉर 2 में मुझे 60 अबव मिल रहे हैं, 1% लो और 0.1% लो भी, वो भी कंसिस्टेंट है, काफी बढ़िया बढ़िया है और पास पास है। और क्या होते हैं इनको जानना है तो मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हो। और लेकिन आज की वीडियो हम शुरू करते हैं फेक बेंचमार्क्स और एक ऐसे प्रोसेसर के बारे में जो i7 का ऑल्टरनेटिव है 1500-1500 रुपए के अंदर। तो तुम्हें YouTube पे कई ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पे वो तुम्हें बोलेंगे कि 500-1000-1200-1500 के अंदर तुम्हें i7 का ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा, i7 8700 की। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल हाँ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? सिर्फ क्लॉक स्पीड के मामले में। देखो गाइस, चलो बात कर लेते हैं इस i7 के ऑल्टरनेटिव की, जो भी तुम्हें बताता है कि i7 का ऑल्टरनेटिव तुम्हें 1500-1200 हजार के अंदर मिल जाएगा। पहली बात तो देखो गाइस, अगर ऐसा होना होता कि तुम्हें किसी एक महंगे फ्लैगशिप प्रोसेसर का ऑल्टरनेटिव इतने सस्ते में मिलता तो उसके दो कारण हो सकते हैं। पहली बात, इंटेल या AMD जो कंपनियां हैं ये बेवकूफ है। दूसरा कारण हो सकता है कि जो बंदा तुम्हें बता रहा है वो बेवकूफ है, या फिर वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है पैसा वैसा कमाने के लिए, जो भी है मतलब, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, पहली बात पे आते हैं, इंटेल या AMD तो बेवकूफ हो नहीं सकता भैया, ठीक है। बात करते हैं उस बंदे की, वो बंदा तुम्हें क्यों बोल रहा है कि 1000-1500 या बंदा बंदी जो भी है मतलब तुम्हें बता रहा है कि 1000-1500-1200 के अंदर तुम्हें i7 का ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा। अब तुम बोलोगे कि भैया एक प्रोसेसर है इंटेल का Xeon या इंटेल का सेकंड जनरेशन का ये प्रोसेसर, इंटेल का वो फलाना प्रोसेसर जिसकी क्लॉक स्पीड है 4.5 GHz और अभी का जो i7 है उसका भी लगभग 4.0 GHz है, तो हो गया ना सिमिलर। यहां पर मैं तुम्हें बताता हूं, देखो इस क्लॉक स्पीड से फर्क नहीं पड़ता है। एक 3 GHz का मतलब 3 GHz का प्रोसेसर एक 4 GHz के प्रोसेसर को बीट कर सकता है अगर उसकी आईपीसी उससे अच्छी है। कैसे? मैं तुम्हें प्रैक्टिकल और अच्छा एग्जांपल देता हूं, सच में बता रहा हूं। मैं ये एग्जांपल मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मनगढ़ंत कुछ बता रहा हूं, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। मेरा एक दोस्त है, उसके पास है i7 7700K GTX 1080 Ti के साथ। मेरे पास दूसरा दोस्त है, उसके पास है AMD का 8350 जिसकी क्लॉक स्पीड है 4.2 GHz, ठीक है, वो उसके पास है। और उसके पास भी वही सेम 1080 Ti है, दोनों के पास गीगावाइट के ऑरस वाले 1070 Ti है, लेकिन जिसका 7700K है वो बढ़िया से गेमिंग खेलता है, उसको कोई गेमिंग में दिक्कत नहीं आती है। लेकिन वही भी मेरा जो दूसरा दोस्त है जिसके पास 8350 की है, भले उस प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड 4.2 GHz है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो i7 को बीट कर सकता है, नहीं, उसके जो सीपीयू इंटेंसिव गेम्स होते हैं वहां पे वो बॉटल नेक करता है, 4K में बॉटल नेक करता है वो प्रोसेसर, और इस बात से वो भी पछता रहा है और वो प्रोसेसर बेच रहा है, लेकिन कौन खरीदेगा उसे। तो वहीं पे बात आती है आईपीसी की। तो इसीलिए गाइस, दो प्रोसेसर जिनकी क्लॉक स्पीड सेम है इसका मतलब ये नहीं वो सेम परफॉर्मेंस देंगे, बिल्कुल नहीं। फिर भले वो आर्किटेक्चर किसी पे भी बने हो, 28 नैनोमीटर 32 नैनोमीटर किसी भी बने हो, ठीक है, क्लॉक स्पीड सेम होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो दो प्रोसेसर बराबर है। और अगर इंटेल के दो प्रोसेसर यानी i7 8700K अभी का किसी 1000-1200 वाले प्रोसेसर के बराबर होता परफॉर्मेंस में, तो क्या इंटेल उसी को दोबारा से श्रिंक करके जो भी वो प्रोसेसर i7 के बराबर का है उसको 14 नैनोमीटर या 12 नैनोमीटर पे दोबारा बना के उसकी एफिशिएंसी बढ़ा के क्या दोबारा नहीं बेचता? इंटेल बेवकूफ थोड़े ना है, है ना। तो वही बात आती है। अब आईपीसी क्या होता है? देखो गाइस, आईपीसी होता है इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक। देखो मैं तुम्हें ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूं, सिंपल भाषा में समझाता हूं। मान लो तुम्हारे पास 1000 किलो का सामान है, ठीक है, सामान को तुम प्रोसेसर के जो टास्क होते हैं ना वो समझ लो। तो तुम्हारे पास 1000 किलो का सामान है और तुम्हारे पास दो गाड़ियां हैं, एक है लैम्बोर्गिनी तुम्हारे पास है और दूसरा है तुम्हारे पास एक बड़ा सा भारी सा ट्रक। अब वो जो भारी सा ट्रक है वो एक ही बारी में 1000 किलो ले जा सकता है, लेकिन लैम्बोर्गिनी में तो तुम्हें पता है ना डिग्गी है ना कुछ है, क्या है उसमें, दो बंदों की तो बैठने की सीट होती है, एक बंदा जो ड्राइवर और दूसरा जो बगल में बैठेगा उसके, वहां पे तुमने थोड़ा सा सामान घुसेड़ दिया। तो अब 1000 किलो का जो वो ट्रक है वो एक ही बारी में वो 1000 किलो सामान ले जा लेगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा लेगा आराम से। लैम्बोर्गिनी को वहां पे 10 चक्कर मारने पड़ जाएंगे क्योंकि ना उसमें जगह है ना कुछ है, थोड़ा थोड़ा करके तो वो ले जाएगी। ऊपर से जब वो एक बार सामान ले जाएगी फिर वापस लेने आएगी तो उसमें उसका पेट्रोल भी फूकेगा, लैम्बोर्गिनी महंगी कार है उसके टायर भी फूकेंगे, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको ऊपर नीचे जो इतनी बार जा रही है मतलब एक बार सामान लेकर आ रही है फिर वापस भी आ रही है तो उसको 2 राउंड मारने पड़ रहे हैं। तो वहां पे आ गई बात लेटेंसी की, तो वो भी दिक्कत हो गई। तो इसीलिए जो है वो आईपीसी, तुमने सुना होगा ना कि बोलते हैं कि राइजन में जो है वो 10% से 15% तक आईपीसी इंप्रूवमेंट है, तो वही बात होती है इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक। यहीं पे तो बात आती है जब AMD का 8350 जब आया था उसके साथ मेरे ख्याल से इंटेल का सेकंड जनरेशन आया था, शायद सेकंड जनरेशन आया था, तो वो जो सेकंड जनरेशन था उसकी क्लॉक स्पीड से 2 पॉइंट कुछ गीगाहर्ट्ज़ थी, लेकिन फिर भी
वो फिर भी वो एएमडी से आगे था, क्योंकि उसकी क्लॉक स्पीड भले कम थी लेकिन फिर भी वो एएमडी से आगे था। मुझे ढंग से याद तो नहीं है बट शायद इतना ही था, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कुल मिलाकर उसकी क्लॉक स्पीड कम थी एएमडी के मुकाबले, लेकिन वो परफॉर्मेंस में आगे था। आज की मैं तुम्हें बात करता हूँ 8350 जो है उसकी 4.2 है क्लॉक स्पीड, लेकिन राइजन की उससे कम है। राइजन मुश्किल ही 3.9 या 4 GHz पहुंचता है, लेकिन राइजन 1080 को बॉटलनेक नहीं करता। तुम्हें राइजन 7 पे 1080 Ti लगा सकते हो, वो बिल्कुल बॉटलनेक नहीं करेगा। तो वही बात होती है आईपीसी इंप्रूवमेंट की। तो अगर कोई बंदा तुम्हें बोलता है कि ये i7 का ऑल्टरनेटिव है, तुम 1000 रुपए के अंदर i7 का ऑल्टरनेटिव ले सकते हो, तो भैया देखो, पहली बात तो जितने भी बड़े बड़े टेक यूट्यूबर हैं वो बेवकूफ हैं जो i7 8700 के लेके बैठे हैं। दूसरी बात, अगर सच में वो i7 का ऑल्टरनेटिव है तो जो तुम्हें बता रहा है उसने खुद क्यों नहीं बिल्ड किया उसके ऊपर, ठीक है? तो ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें होती है। तीसरी बात, चलो अगर कुल मिला के किसी जादुई दुनिया से किसी पता नहीं कहां से प्रकट होकर एक प्रोसेसर आ भी जाता है जो i7 का ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, कोई पुराना सा 1200 का प्रोसेसर जो i7 का ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, 1200 रुपये में मिलने वाला, तो भैया अगर वो i7 का ऑल्टरनेटिव है तो पहली बात ये देख लो कि अगर वो i7 का ऑल्टरनेटिव है और स्पेक्टर और मेल्टडाउन वाले तुम्हारे पैचेस रिलीज कर रहे हैं, तुम बोलते हैं ना कि अगर तुम ये अपडेट करोगे तो तुम्हारी परफॉर्मेंस 10% डिक्रीज होगी। अब i7 का ऑल्टरनेटिव है वो, ठीक है, लेकिन i7 में से ऐसा समझ लो एक कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक कार की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमने कहा कि कार में ये अपडेट करने से इसकी इसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी। 100 वाले में तुम अपडेट करोगे तो उसकी क्लॉक उसकी जो स्पीड है वो तब भी 100 से 95 हो जाएगी, ठीक है, लेकिन 95 फिर भी अच्छी स्पीड है। वहीं पे एक तुम ऐसे सीपीयू को ले रहे हो जिसकी स्पीड ही 10 है, उसमें से भी तुम अपडेट करके 5 कम कर दोगे तो बचेगी कितनी, 5। तो वही बात है कि तुम पुराने जनरेशन का प्रोसेसर इसीलिए नहीं लेना चाहिए, बहुत ही बेकार होते हैं। इसलिए किसी जादुई दुनिया से अगर प्रोसेसर ऐसा तुम्हें लगता भी है कि i7 का ऑल्टरनेटिव है तो उसे मतलब, क्योंकि वो बहुत पुराना है, तुम्हें उसके लिए अगर कोई फ्यूचर में कुछ अपडेट्स करने पड़ते हैं, कुछ पैचेस वगैरह आते हैं, कुछ भी आते हैं जैसे स्पेक्टर और मेल्टडाउन के आ रहे हैं, तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, वो एफिशिएंट नहीं होते हैं, ठीक है, उसके बाद तुम्हें अपग्रेड ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। एक i7 8700 की इतना बढ़िया प्रोसेसर है, तुम उसके साथ टाइटन लगाओ या फिर तुम 1080 Ti लगाओ, वो बॉटलनेक नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे तुम एक पुराने जनरेशन का वो प्रोसेसर लेते हो, उसके साथ तुम अगर फ्यूचर में कोई तगड़ा सा ग्राफिक कार्ड लेते हो तो तुम्हें वो बॉटलनेकिंग देखने को मिलेगी, फिर तुम्हें अपना पूरा प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो पुराना प्रोसेसर है DDR2 या DDR3, उसको रैम चाहिए होगी, तो तुम जब प्रोसेसर बदलोगे तुम्हें रैम भी बदलनी पड़ेगी, तुम्हें मदरबोर्ड बदलना पड़ेगा, तुम्हें बहुत कुछ बदलना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर आती सरदर्दी, इसलिए जब भी बिल्ड करो नहीं पता कि कौन सा प्रोसेसर कितना पावरफुल है और तुम किसी मगजमारी का शिकार नहीं होना चाहते तो सीधा सीधा लेटेस्ट जनरेशन पे बिल्ड करो, वो तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया रहेगा। अब मैं बात करता हूं फेक बेंचमार्क्स की, बेंचमार्क्स कैसे फेक हो सकते हैं। देखो गाइस, मैंने जो तुम्हें स्क्रीन पे सबसे पहले स्टार्टिंग में बेंचमार्क दिखाया वो फेक था, तो वो यही दिखाने के लिए था कि सिंपल स्क्रीन पे तुम्हें एक ग्राफ दिख गया और कहीं पे लिखा हुआ है कि इस गेम में 60 FPS है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो गेम सच में 60 FPS दे रहा है। मैंने तो तुम्हें कुछ भी दिखा दिया, मैं तो दिखाता था मेरा ग्राफिक कार्ड जो है वो 100 FPS दे रहा है, तो तुम मान लेते नहीं। देखो गाइस, डिपेंड करता है, मेरे पास कोई 1080 Ti या कुछ है नहीं तो उसके बेंचमार्क्स दिखा भी नहीं सकता, ठीक है। मेरे दोस्तों के पास है पर वो मुझे देंगे नहीं, क्योंकि वो लोग डरते हैं थोड़ा कि मैं अपने कंप्यूटर से निकालूंगा फिर तुझे दूंगा, थोड़े होते हैं ना डरने वाले लोग, ठीक है। तो वही बात आती है, अब जो बंदा तुम्हें बता रहा है कि ये इस प्रोसेसर की बेंचमार्क्स है, क्या उसके पास सच में वो प्रोसेसर है? देखो, जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, जो जिनका बड़ा बड़ा चैनल होता है, उनको तो चलो कंपनी यूनिट देखती है, लेकिन जो छोटे मोटे चैनल होते हैं मेरी तरह जो होते हैं कभी कभी, जो मतलब जिनको कंपनी यूनिट्स नहीं देती है, उनके पास वो प्रोसेसर कहां से आया? और अगर चलो आया भी, वो तुम्हें स्क्रीन पे बेंचमार्क दिखा रहे हैं, क्या तुमने उसके पास देखा कि उसने सच में वो बैठ के बेंचमार्क किया? अगर देखो वो तुम्हें MSI आफ्टर बर्नर की जैसे गेम में ऊपर लिखा हुआ आता है ना, CPU यूजेज इज इक्वल टू इतना या GPU यूजेज इतना, रैम इतनी यूज हो रही है, अगर तुम्हें वो एग्जैक्टली वो दिखा रहा है तो तुम फिर भी थोड़ा भरोसा कर सकते हो। लेकिन अगर वो स्क्रीन पे सिर्फ एक ग्राफ दिखा रहा है कि देखो ये ग्राफ है और ये रहा गेम के बेंचमार्क, तुम बिल्कुल भरोसा मत करो। क्यों? क्योंकि देखो गाइस, यहां पे दो चीजें होती है। पहली बात, उसने ऐसे ही वीडियो बना दी और तुमने देख ली और वो बेंचमार्क पूरे उसने बस ख्याली पुलाव पकाया। ख्याली पुलाव मतलब, जैसे हमें पता है कि 1050 Ti जो है, 1050 Ti जो ग्राफिक कार्ड है, वो हाई सेटिंग्स में लगभग लगभग ज्यादातर गेम्स में 60 FPS दे देता है। अब किस गेम में वो एग्जैक्टली कितने FPS देता है वो हमें नहीं पता, मैंने बस अंदाजा लगाया कि वो इतने देता है। अब मैंने कल के दिन एक गेम की गेमिंग वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने 1050 Ti को यूज किया और बेंचमार्क्स के नाम पे मैंने अंदाजा लगाया, बस अंदाजा मनी मन में, कि GTA 5 में ये लगभग चलो 62 कर देता हूं। मैंने माइक्रोसॉफ्ट या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खोला, एक ग्राफ बनाया, उसमें GTA 5 टाइप किया और उसके आगे 60 FPS, फिर बैटलफील्ड 1 58 FPS, थोड़ा आसपास ऐसे, ताकि लोगों को रियल लगे। तो वो फेक होता है, कोई भी बना सकता है, एक्सेल में पावर पॉइंट में तुम भी जाके बना सकते हो, तो फेक होता है। दूसरी बात, अगर कोई तुम्हें बेंचमार्क दिखा रहा है तो उसे बोलो कि मुझे दिखा पीसी जिससे तूने बेंचमार्क किया है, क्योंकि जब उसके पास बेंचमार्क करने के लिए पीसी नहीं है तो वो कैसे बोल सकता है कि वो इतना FPS दे रहा है। तुम अच्छा, मेरी बात पे तुम्हें भरोसा नहीं है, तुम इंडियन गेमर चैनल पता होगा, उनकी तुम बिल्ड वीडियो देखना,
उन्होंने कहीं पे भी बेंचमार्क्स नहीं दिए हैं। उन्होंने हमेशा यही बोला होगा कि ये जो ग्राफिक कार्ड है ये इतने रेजोल्यूशन पे इतने एफपीएस तक दे सकता है। उन्होंने कहीं भी ये नहीं बोला कि ये जीटीए 5 में एग्जैक्टली इतने फ्रेम पर सेकंड देगा या मैंने बेंचमार्क किया, क्योंकि भैया जब हमारे पास कार्ड है ही नहीं, हमारे पास वो प्रोसेसर है ही नहीं, तो हम क्यों बोले तुमको। वही बात होती है। तो अब चलो मान लो मेरे पास कार्ड है भी, मेरे पास ग्राफिक कार्ड है भी, अब तुमने किसी यूट्यूबर को देख रहे जिसके पास कार्ड भी है प्रोसेसर भी है, अब तुम बेंचमार्क देख रहे हो, तो क्या तुम वही प्रोसेसर लेने वाले हो। मान लो तुमने 1080 Ti का बेंचमार्क देखना है, अब तुमने 1080 Ti का बेंचमार्क देखा i7 के साथ, लेकिन तुम 1080 Ti को i5 के साथ लगाने वाले हो, तो बेंचमार्क थोड़े बहुत बदल सकते हैं। तो तुम फिर भी उस पे, हालांकि इतना भी नहीं बदलेगा पर बदल सकते हैं, मैं कह रहा हूं नंबर बदलेंगे, तो तुम वो भी नहीं सकते। क्या पता जिस बंदे ने चेक किया उसने राइजन के साथ लगाया हो 1080 Ti, ठीक है, तुमने i5 के साथ या i7 के साथ लगाना है, या फिर साफ सीधी बात, छोड़ो बकवास, प्रोसेसर सेम है, तुम भी i7 लेने वाले हो, सामने वाले बंदे ने भी i7 के साथ ही 1080 Ti का बेंचमार्क किया, लेकिन उसको कंपनी ने भेजा है i7, उसको कंपनी ने भेजा है 1080 Ti, तो कंपनी कभी भी अपने प्रोडक्ट की गलत मार्केटिंग नहीं करेगी। वो बिंड प्रोसेसर भेजते हैं जो अच्छी फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं, जो जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है पहले से, वो चुने चुनिंदा प्रोसेसर उन्हें भेजते हैं, ठीक है। अब इसमें भेजने में कोई गलती नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास एक ईवीजे का सुपर क्लॉक कार्ड है, ईवीजे का मेरे पास एक सुपर क्लॉक कार्ड है किंग पिन एडिशन, जो कि बिंड होता है और जिसकी क्लॉक स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है नॉर्मल 1080 Ti से, ओवरक्लॉक वो बहुत अच्छा होता है, नॉर्मल 1080 Ti से बहुत अच्छा ओवरक्लॉक होता है, अब मेरे पास वो कार्ड है, अब तुम्हें तो लगा कि बस ईवीजे का ही तो है, बस ओवरक्लॉक ही तो हो रहा है, मतलब बस कार्ड ही तो है 1080 Ti ही तो है, और तुमने ले लिया कोई गीगाबाइट का या असूस का नॉर्मल सा 1080 Ti, लेकिन मेरे पास एक बिन 1080 Ti है जो कि नॉर्मल 1080 Ti से ऊपर की परफॉर्मेंस देगा, तो तुमने देखा अरे वाह तो इतना अच्छा दे रहा है, लेकिन जब तुमने 1080 Ti लिया तो वो तुम्हें मेरे वाले जो बेंचमार्क स्क्रीन पे थे वो तुम्हें वो नहीं दिख रहे हैं। तो वहीं पे बात आती है गाइस, वहीं पे बात आती है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट परफॉर्मेंस अलग अलग हो सकती है। तो इसलिए कभी भी किसी बेंचमार्क्स पे जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख गए ना कि भाई ये ग्राफ बना के दिखा दिया, प्रोसेसर पता ही नहीं कहाँ है किसी भी बंदे ने, अब कल के दिन देखो गाइस होता क्या है ना, आदमी के अंदर ना वो हो जाता है क्या बोलते हैं उसे, देख के ना थोड़ा अट्रैक्शन होता है। अब कल के दिन देखो क्या करता हूं मैं अपने डेस्क जो है, मेरा टेबल है उस पर बढ़िया सा एक सफेद कपड़ा बिछाता हूं या फिर एक सफेद रंग का टेबल ले लेता हूं, एलईडी एलईडी लगाता हूं घर में बढ़िया सी, ठीक है, और एक बढ़िया सा डीएसएलआर या कुछ भी नॉर्मल बढ़िया फोन का कैमरा लगा के अपनी शक्ल दिखा के बैकग्राउंड में मेरा सेटअप, अब सेटअप भले मैंने किसी से बनवा के लिया हो, भले मैंने किसी और यूट्यूबर से बनवा के लिया हो सेटअप, और सेटअप में मैंने 8GB 4GB लगा दी, लेकिन जो बंदा मेरी वीडियो देखेगा उसको तो यही लगेगा ओ हो क्या 8GB है, क्या सेटअप है, क्या मॉनिटर है, क्या इसका पीसी क्या बढ़िया है, क्या कीबोर्ड है चमचमाता हुआ। तो उसको जो है वो बैकग्राउंड में जो अट्रैक्शन दिखता है, तुम्हें क्या लगता है बड़े बड़े यूट्यूबर क्यों अपने बैकग्राउंड में तुम्हें वो बड़े बड़े प्रोसेसर और उनके डब्बे दिखाते हैं, तुमने देखा होगा ना बड़े बड़े चैनल्स पे तुम्हें पीछे प्रोसेसर के डब्बे और ग्राफिक कार्ड के डब्बे वगैरह दिखते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है, उससे एक भरोसा बनता है कि जिस बंदे के पास ये डब्बे पड़े हुए हैं उसको जानकारी होगी। लेकिन कल के दिन मान लो तुम मेरे से ज्यादा समझदार हो, अब तुम्हारा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि तुम्हें कुछ नहीं पता है ना। तो वही बात होती है कि लोग ज्यादातर जो है वो बैकग्राउंड में सेटअप लगा के और वो सब करके तुम्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और असल में उनको पता कुछ नहीं होता है। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मैं जो हूँ सेटअप नहीं दिखाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे ज्यादा समझदार हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्या पता तुम में से कोई व्यूवर ऐसा हो जिसको मेरे से ज्यादा आता हो, लेकिन फर्क इतना है कि मेरे पास यूट्यूब चैनल तुम्हारे पास नहीं है, कल के दिन वो खोलता है यूट्यूब चैनल जिसको मेरे से ज्यादा आता है, तो ऑब्वियसली बात है उसके ज्यादा व्यूवर्स होंगे, उसको ज्यादा पता होगा। तो वही बात आती है कि लोग जो ज्यादातर जो है वो ऐसे ही भरोसा कर लेते हैं किसी पे, क्योंकि उसका पीछे का जो है वो दिखने का बढ़िया अट्रैक्शन सा आ रहा है एक, तो वो जो होता है वो काफी यू नो थोड़ा सा आंखों में आ जाता है कभी कभी। तो अब मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ, तो देखो मैं तुम्हें ये सब सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि लोग पीसी बिल्ड करने के लिए कई बार सर्च मारते हैं यूट्यूब पे और वो इस तरीके की वीडियो देखते हैं कि भैया देखो इसमें तो i7 का अल्टरनेटिव सिर्फ 1000 रुपये 500 रुपये 1500 रुपये या 2000 रुपये के अंदर मिल रहा है, तो वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना इसी को बिल्ड कर लिया जाए, क्योंकि देखो ज्यादातर लोगों का बजट जो है वो 1 लाख रुपये या 2 लाख रुपये नहीं होता है एक i7 पे बिल्ड करने के लिए, और वो लोग सोचते हैं कि चलो i7 जब हमें इतने के अंदर मिल रहा है तो क्यों ना इसी पे हाथ मार ले, लेकिन फिर बाद में उन्हें पछतावा होता है कि उन्होंने क्यों इस बिल्ड को किया, मतलब i7 पे ही कर लेते या फिर उन्होंने क्यों इस अल्टरनेटिव के भरोसे गए, क्योंकि वो आगे जाके फ्यूचर में उन्हें बहुत प्रॉब्लम देने वाला है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना ली जाए। तो अगर तुम्हें पसंद आया तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइज़।